Hi people, what's up dear students? Today I'm over here is going to talk about the stability, not the stability. Yeah, you heard it right. Stability किसकी? Thermal stability के बारे में मैं यहाँ बात करने वाली हूँ. The trick to actually account for the questions regarding the thermal stability basically. So आज हम बात करेंगे thermal stability की trick के बारे में और उसके related questions के बारे में. Well, you need to join these three particular apps. You need to download them and explore them with the mind blowing features and the mind blowing things you are going to observe over here. Also, you need to join our Telegram channel. Basically, the link has been provided to you over here for the Telegram channel. ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, एंड इट इज थर्मल स्टेबिलिटी. सो व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म नोन टू बी एज थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी से आप क्या समझते हैं? मैं क्या समझती हूँ वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ. थर्मल स्टेबिलिटी से आई एक्चुअली अंडरस्टैंड इट्स द स्टेबिलिटी, इट इज द स्टेबिलिटी अगेंस्ट हीट और टेम्परेचर. ठीक है, मतलब हीट देने के बावजूद, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बावजूद पर्टिकुलर कंपाउंड का जो बॉन्ड है इट्स एक्चुअली स्टेबल, इट्स नॉट गोइंग टू ब्रेक. सो द स्टेबिलिटी अगेंस्ट हीट एंड टेम्परेचर. हमें यहाँ पर सबसे पहले ये पहचानना है कि हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है उसमें बॉन्ड्स कौन से हैं, क्या वो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और क्या वो आयनिक बॉन्ड्स हैं. अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं दैट मीन्स हमें ये पता चल जाएगा कि हमें पता है कि नॉन मेटल के बीच में नॉन मेटल फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन मेटल फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो पता ही है. एंड आयनिक बॉन्ड कौन बनाते हैं? मेटल नॉन मेटल फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड, मेटल नॉन मेटल फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड. हम आयनिक में जब भी बात करते हैं वी टॉक अबाउट कैटायन एंड एनायन, ना तो उस बेसिस पे. तो आपने ये जान लिया सबसे पहले कि भाई बॉन्ड कौन सा है, आइदर इट इज कोवेलेंट और आइदर इट इज आयनिक. नॉन मेटल के बीच में बना हुआ बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बना हुआ बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट मी एक्चुअली टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट थिंग कि थर्मल स्टेबिलिटी को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ टीएस से, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी. थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, और यू कैन से बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ. ठीक है, ये सबसे पहली मोटी बात हो गई है. तो लेस साइज अगर होगा ओवरलैप अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा. इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द साइज, ठीक है, तो एटम्स का साइज अगर छोटा है ओवरलैप अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा. ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारे ये आयनिक बॉन्ड्स में हम जब बात करते हैं तो यहां पर वी डील विद टू टाइप्स ऑफ एनायंस, मोनो एटमिक एनायन, मोनो एटमिक एनायंस के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डील अप विद द पॉली एटमिक एनायंस, पॉली एटमिक एनायंस के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, मोनो एटॉमिक एनायंस दे आर गोइंग टू हैव, अगर मैं मोनो एटॉमिक एनायंस के बारे में बात करूं, जैसे कि सल्फाइड आयन, ओ रेज टू पावर टू माइनस आयन, हाइड्राइड आयन, देन इट्स एन थ्री नेगेटिव आयन, देन इट्स फ्लोराइड आयन. पॉली एटॉमिक आयन्स के बारे में बात करूं, जैसे कि सल्फेट आयन हो गया, कार्बोनेट आयन हो गया, ठीक है, बाई कार्बोनेट एनायन हो गया, ठीक है, फॉस्फेट एनायन हो गया, नाइट्रेट एनायन हो गया, नाइट्राइट एनायन हो गया, SO3 2 नेगेटिव आयन, सल्फाइट एनायन हो गया. ठीक है, इस तरह के एनायंस के बारे में वी नीड टू डील अप. तो मैंने बताया किस तरह के एनायंस के साथ में हम डील करेंगे, मोनो एटॉमिक एनायंस एंड पॉली एटॉमिक एनायंस, ये प्लीज माइंड में याद जरूर रखना. अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. ठीक है, ऑल्सो थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन ऑफ एनायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन ऑफ एनायन. थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन ऑफ एनायन. पोलराइजेशन जो होता है हमारा, इफ आई टॉक अबाउट पोलराइजेशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन. ठीक है,
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैट आयन। ठीक है, ये वाली बातें ध्यान रखना। इन अ वे व्हाट वी कैन से इफ आई एम सेइंग कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एन आयन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैट आयन, तो इन अ वे आई कैन ऑल्सो से कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैट आयन। ठीक है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन। हाँ जी बताइए, क्या ये वाली बात सही है? आई एम टॉकिंग अबाउट थर्मल स्टेबिलिटी नाउ, मैं पोलराइजेशन के बारे में बात नहीं कर रही, अब मैं थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रही हूँ। सो इस पर्टिकुलर चार्ट को प्लीज अपने माइंड में फिट ऑन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, जैसे द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डील अप इज, जैसे एच एफ है मेरे पास, एच सी एल है, एच बी आर है और एच आई है, तो हमें ये पता है कि फ्लोरीन का जो साइज है, फ्लोराइड आयन का जो साइज है, क्लोराइड आयन का साइज है, तो इनमें से फ्लोराइड आयन का साइज सबसे छोटा है। साइज अगर छोटा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ओवरलैप अच्छा होगा, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ रिगार्डिंग बी एफ थ्री के बारे में, बी सी एल थ्री के बारे में, बी बी आर थ्री के बारे में और बी आई थ्री के बारे में, अगर मैं यहाँ डील अप करूँ, तो अगेन आई विल से कि थर्मल स्टेबिलिटी बी एफ थ्री की ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बी सी एल थ्री, देन बी बी आर थ्री एंड देन बी आई थ्री। द रीज़न इज़ वेरी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज ओवर है। अब अगर मैं बात करती हूँ रिगार्डिंग द मोनो एटमिक एनायन वाले केसेस, मोनो एटमिक एनायन वाले केसेस के बारे में मैं यहाँ डील कर रही हूँ, जैसे अगर मैं बात करती हूँ ए एल एफ थ्री के बारे में, MgF2 के बारे में और LiF के बारे में, हमें पता है कि थर्मल स्टेबिलिटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, येस और नो? सो Al पे प्लस थ्री चार्ज है, मैग्नीशियम पे प्लस टू चार्ज है, लिथियम पे प्लस वन चार्ज है, सो हमें पता चल गया व्हाट विल बी दी ऑर्डर। थर्मल स्टेबिलिटी के ट्रिक्स को जरूर याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं पॉली एटमिक एनायंस के केस के बारे में, पॉली एटमिक एनायंस के केसेस के बारे में हम यहाँ पर डील अप करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ मैग्नीशियम कार्बोनेट की, देन इट्स कैल्शियम कार्बोनेट, देन स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट, आई एम सॉरी, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट एंड देन इट इज दिस। सो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, चार्जेस सब पे सेम है बताइए, लेकिन इन अ वे साइज के बारे में बात करूं, क्योंकि हमें पता है कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन, तो यहाँ पर बेरियम जो हमारा कैटायन है उसका साइज बड़ा है, तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो गया है। ठीक है, सो पीपल दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग द थर्मल स्टेबिलिटी ट्रिक, होप यू लाइक द वीडियो। सो वॉट यू हैव टू डू इज टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस पर्टिकुलर सेशन एज मच एज पॉसिबल। बाय बाय एंड टेक केयर। Keep imbibing.